फ्रेंड्स, बोल दो गुड मॉर्निंग। अभी मैं गब्बू को जा रही हूँ नहाने के लिए। ना बेटू बोलो। ये देखिए, नहाने से इतना डरता है ना कि क्या बोलो, पर इसको आज नहाना होगा। काफ़ी टाइम से गंदा हो गया, देखिए कैसे लटका हुआ है मेरे पास। नहीं नहीं, डरो मत बेटू, नहाना तो पड़ेगा ना। चुप चुप, इसको बदमाशी कर रहा है, पर इसको हम नहाएंगे। भाग गया, देखिए अंदर छिप गया ये। देखिए चलो चलो, निकलो 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 निकलो। ये नहीं आ रहा तो इसको भी पकड़ के बाहर ले जाते, फिर दिखाएंगे। रुक जाइए। तो गब्बू नहा लिया है और अब मैं चली नहाने की। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आ गई हूँ नहा कर। गब्बू को नहाने के बाद बहुत ज़्यादा भीग जाती हूँ ना, क्या नहाने टाइम इतना परेशान करता है वो, तो वो भी सूख गया। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मैं अभी दिखाऊंगी इसे। और मैं भी बस नहा के अभी जस्ट आई हूँ, तो मैं थोड़ा बाल बाल साफ़ करती हूँ अभी। मतलब तो बाल भीगा हुआ ना तो बहुत तो सुखाना पड़ेगा, नहीं तो पता चलता है कि सर में दर्द हो रहा है भीगा रहने के कारण। तो पहले मैं अभी गब्बू को पहले दिखाती हूँ कि वो कैसा दिख रहा है। देखिएगा कि ये नहा लिया, कितना सुंदर लग रहा है। अभी खेल रहा है नहाने के बाद, ये नहाने के बाद बहुत ज़्यादा फुर्ती हो जाता है अभी। ये देखिए खेल रहा है गब्बू, कितना प्यारा लग रहा है। सोना नहा लिया, ये पूरा साफ़ हो गया। नहा लिया तो अभी इधर उधर बदमाशी करेगा सिर्फ। आ जाओ आ जाओ, क्या कर रहा है। नहा लिया ना, अच्छा लग रहा है ना। अब ये भाग गया। नहाने के बाद ये बहुत ज़्यादा खेलता है, तो मैं अभी फ्रेश बाल को सुखा लेती हूँ पहले। अभी मैं जा रही हूँ हलवा बनाने के लिए, मुझे भूख लगा हुआ है। और अभी घर पे कोई भी नहीं है, तो मैं बहुत सारा मतलब काम वाम करके बिज़ी थी, इसलिए अभी फ्री हुई हूँ और मुझे भूख भी लग गया। तो मैं अभी कुछ नहीं, पहले हलवा बनाऊँगी और हलवा बना के खाऊँगी। और फिर मेरे भैया गए हुए हैं मम्मी को लाने के लिए, तो मम्मी आ जाएगी आज 4 बजे 5 बजे तक। तो उससे पहले मुझे सारा काम करना था, तो मैं कर ली हूँ, नहीं तो पता चला मम्मी आके बोलेगी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इसी वजह से। तो अभी मुझे शांत बनी रही है।
हेयर स्टाइल बनाई हूँ और इस तरह का कितना अच्छा लग रहा है ना। हो गया है अब शाम, अब कुछ ही देर में आ जाएंगी मम्मी और हम लोग यहाँ पे करेंगे मस्ती। फिलहाल हम और गब्बू अकेले हैं तो भैया भी नहीं है, बहुत गर्मी है, लाइट भी। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब सोच रहे होंगे कि ये मतलब सुबह सुबह नीचे बैठ के क्या कर रही है। मैं एक्चुअली नीचे बैठी हुई हूँ। तो आज है नवरात्रि और मैं भी नहावा के मतलब सुबह हो रहा है और मैं क्या कर रही हूँ बैठ करके, तो मैं भी दिखाती हूँ। आज नवरात्रि है मतलब आज कलश स्थापना है, तो आज मतलब मैं नहा वहा के मुझे पूजा करना था, इसलिए मैं सुबह सुबह उठी हूँ और नहा चुकी हूँ। नहा के थोड़ा रेडी वेडी हो गई, मतलब ज़्यादा नहीं हल्का, और अब मैं पाँव अपना जो होता है ना वो रंग रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे रंगते हैं हम लोगों के साइड, और बहुत लोगों के साइड होता होगा। अब मैं दिखाती हूँ कि मुझे मैं कैसे लगा रही हूँ, ठीक है? आप भी देखिए, इसमें देखिए ऐसे लगा रही हूँ। एक्चुअली मैं ये नहीं की हूँ, मतलब पैर में मतलब नेल पेंट नहीं लगाई हूँ, पर ये हमारा रिवाज होता है। एक्चुअली मैं ये हमारे तरफ मतलब जो लड़की होती है वो लोग लगाती है नवरात्रि में, हर किसी में नहीं होता, मतलब अब मुझे लगाना पड़ता है अब तो। अब आपको पता ही होगा कि क्यों, और जिनको नहीं पता होगा मेरे से पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों, कमेंट करके देखिए कैसे लगाना है। ऐसे मैं बहुत कुछ से रुई से लगाते हैं लकड़ी में डाल करके, मैं ऐसे ही लगा ले रही हूँ जल्दी जल्दी, मेरे को दिख भी नहीं रहा फ़ोन पकड़ने के कारण, अभी मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद इधर से आपको ऐसे ऐसे लाइनिंग खींचना, बहुत लोग इसमें डिज़ाइन बनाते हैं बट मैं ऐसे सिंपल बना रही हूँ। देखिए ऐसे करना है, ऐसे इसमें ऐसे ऐसे खींच के यहाँ थोड़ा सा मोटा किया जाता है, इधर से ऐसे लाइन बाई लाइन आता है और यहाँ पर हल्का सा मतलब ऊँचा किया जाता है, उसका अच्छा लगता भी है। तो देखिए ये मेरा यहाँ पे ऐसा बिखर गया लेकिन थोड़ा सा, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं ऐसे करके गोल गोल कर ले रही हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जब गोल हो गया तो साइड साइड में ऐसे ऐसे मैं कर दूँगी पॉइंट पॉइंट, मतलब मैं ऐसे फूल बना रही हूँ समझ लीजिए। ये काफ़ी बड़ा बन गया है लेकिन कोई नहीं, बस पैर रंगा हुआ लगना चाहिए। और ये आज नवरात्रि का कलश स्थापना है इसलिए मैं कर रही हूँ। और उसके बाद देखिए टड़ा, सब देखिए कि मैंने तो अपना पैर को रंग लिया है, देखिए मेरा हाथ कैसा हो गया, मैं भी हाथ धोऊंगी और उसके बाद फिर मैं थोड़ा पूजा करने जाऊंगी, फिर पूजा करके मैं आती हूँ तो फिर मैं बताती हूँ ऐसे। और ये देखिए मेरा गब्बू को क्या कर रहा है, गुड मॉर्निंग गब्बू, देखो गुड मॉर्निंग। तो मैं आ रही हूँ बस पूजा करके थोड़ा, और ये हाथ वाथ धो के, क्योंकि सुबह हो रहा है ना तो फिर काम भी है घर का, तो मैं आती हूँ। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए। पूजा और मेरा आ गई थी उस दिन, तो हाँ उस दिन मैं वीडियो नहीं ले पाई थी क्योंकि कुछ कारण, मतलब मैं बिजी थी कॉल वॉल पे, तो मम्मी आ गई थी शाम में ही, तो इसलिए मैं अभी दिखा रही हूँ मम्मी को। मम्मी बरी बना रही है। उस दिन क्या हुआ था ना कि मम्मी जब आई घर तो उस टाइम एक्चुअली पहला तो मेरा कॉल आ गया था किसी का, तो मैं सोची कि लूँ, फिर मम्मी के आने के बाद मतलब शाम में काफ़ी ठीक नहीं था उस टाइम पे, शाम को लू जैसा एकदम हवा चल रहा है, तो आने के बाद मम्मी नहीं पाई क्योंकि मेरा भी किसी का कॉल आ चुका था इसलिए। तो मैं दिखाती हूँ कि मम्मी कर क्या। फ्रेंड्स देखिए मम्मी बना रही है अभी उड़द दाल का बड़ी, कौन सा दाल का ये नहीं पता, कौन सा दाल का बना रही मम्मी, उड़द दाल। हाँ तो उड़द दाल का मम्मी बना रही है बड़ी। और नवरात्रि का आज कलश स्थापना, आज पहला दिन था तो मैं नहा वहा के फ्रेश हो गई, मतलब पूजा वूजा कर ली थी। और अब इतना गर्मी है ना कि मतलब पसीना टपक रहा है मेरा, देखिए फिर कैमरा में भी दिख रहा है, फिर फेस के साथ पीला पीला दिख रहा है पसीना के कारण। अरे तो मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मम्मी क्या और कैसे बना रही, किस किस चीज़ों से बना रही।
तो देखिए मम्मी यहाँ पे बैठ रही है, क्या क्या कर रही है। देखिए ये कद्दू क्या बोलते हैं मम्मी इसको, मतलब घोड़ा है जो भी हमारी। और ये मम्मी बिछा चुकी है इसी पे, मतलब खटिया, इसको बिछा के रख दिया कपड़े को। और ये बड़ा होने जा रही है, मम्मी बनाने के लिए रेडी हो गई है। ये क्या डाल रही है, अभी मम्मी डाल रही है, हाथ निकालो। और ये देखिए ये क्या क्या है, ये थोड़ा सा जीरा है, ये मेथी है, और इसमें है अदरक। अब देखिए क्या होता है। और ये क्या है, ये क्या है, आज पाव कितना अच्छा लग रहा है नवरात्रि में, हम लोग पाव रंगे हुए सुंदर सुंदर से। और ये खटिया में भी यहाँ पे मतलब वही बनेगा, मतलब बड़ी इसी का बना है। सब्जी इसका बनता है, हम तो खाए हैं लेकिन बनाना हमको पसंद नहीं है बिल्कुल भी, बस खा सकते हैं ये सब तो। देखिए कितने अच्छे से बन रहा है। ये फैन से आवाज नहीं आ रहा, बहुत धीरे आ रहा है, क्या बोल रही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोली, बर्तन में डाल करके देखना पड़ता है, जब ऊपर आ जाता है तो समझो कि हमारा बड़ी तैयार है बनने के लिए। ये देखिए ये तो जादू हो गया, जादू। मतलब अगर जो बरी बनाते हैं अगर वो अच्छा से मतलब हो चुका है रेडी, तो यहाँ पानी में डालने के बाद ये ऊपर आ जाता है। ये देखिए ये तैर रहा है पानी में, देख सकते हैं अंदर डूबा नहीं है, है ना। तैयार है बनने के लिए। क्या बोली, बनने के लिए तैयार है मेथी। इसमें मम्मी भी मेथी डाल रही है। फैन बंद करवाओ ना। और ये डाल रही है जीरा पाउडर, वो था मेथी पाउडर। अब देखो थोड़ी सी अदरक, पसीना हो गया पूरा। ये डाल रही है भतुआ का कोहड़ा, हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे। ये स्टार्ट हो गया बनना, इसको इसी तरह छोटे 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 छोटा करके पूरा मम्मी अभी दे देगी सब तरह। ये बड़ी है तो अभी बन रहा है बड़ी, जो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ जो बन रहा है। और मम्मी बना रही है यहाँ पे बैठ, बहुत गर्मी है। मम्मी भी सुबह में ही पूजा कर ली, लेकिन हम लोग कोई लग ही नहीं रहे कि ना आए हैं, इतना ज़्यादा गर्मी है। और मम्मी यहाँ पे बना रही है, छोटा 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 बनाना है, बहुत हैवी बन जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में ना मम्मी, कितना ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, यम्मी लगता है खाने में। मतलब हम सब्जी खाए लेकिन कभी देखे नहीं, अभी बनाते हुए अभी देख रहे फर्स्ट टाइम, तो ऐसे बनता। गर्मी किया हुआ है, मतलब लग नहीं रहा है कि ना आए, इतना ज़्यादा गर्मी है, मतलब बहुत। अभी के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।